गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में दो प्रश्न मैथ सब्जेक्ट का जिसमें सातवां क्लास था, ये पूर्णांक चैप्टर जो 1.1 है, यह अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें दो प्रश्नों को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10। तो आप पहले सब समझ गए होंगे प्रश्नों के हम, और ये दोनों भी समझ जाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। तो ये 10वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है, वो अपना बैंक खाता में 5,000 रुपए जमा किया और फिर अगले दिन उसमें से 2674 रुपए 2674 रुपया निकासी कर लेता, निकाल लेता। तो खाते में निकासी की गई राशि को ऋणात्मक संख्या निरूपित किया जाता है, जो निकाला गया उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो खाते में जो जमा किया गया राशि, जमा की गई राशि है, उसको किस से निरूपित करेंगे, ये सवाल पहला सवाल, कैसे निरूपित करेंगे और निकासी के बाद उसके खाता में कितना राशि शेष बचा है। तो यह बहुत आसान सवाल है, छोटा सवाल है कि जो जब निकालते हैं तो उस राशि को ऋणात्मक संख्या निरूपित किया जाता है, तो जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे, जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, यानी जमा की गई राशि क्या है, आंसर क्या होगा, जमा की गई राशि, जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, आंसर क्या होगा, धनात्मक संख्या, यानी धनात्मक फिर देंगे तो हो जाएगा, फिर निरूपित करेंगे और निकासी के बाद मनोज के खाते में जो बचा उसमें क्या करेंगे, शेष राशि बराबर लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 5,000, यानी 5,000 रुपया में कितना, 2674, 2674 रुपया माइनस करें, तो इसको आप घटा सकते हैं। तो ये जीरो है, यानी यहाँ पर 10 है, 10 में 4 जाएगा से क्या बचेगा, 6, अब यहाँ जीरो में 9 है, 9 में 7 जाने से क्या बचेगा, 2, अब यहाँ भी जीरो में 9 है, 9 में 6 जाएगा तो बचेगा 3, और ये 5 में 4 बचा है, 4 में 2 जाएगा तो 2, यानी 2,326 इस संख्या को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, तो आसानी से घटा सकते हैं, तो 2,326 रुपया शेष राशि आंसर हो गया। अब ये 10 में कुछ नहीं था, ये घटा होता, अब 11 में क्या है, 11 में एक जगह है जिस बिंदु का नाम है ए, या इस तरह मान लीजिए कि एक जगह है, बिंदु है, इस बिंदु को जगह कहेंगे चाहे जो कहेंगे, इस बिंदु से पूरब की ओर किधर होगा, मान लिया जाए कि पूरब की ओर इधर जा रहा है, कितना दूर जाना है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी पहुंच जाते हैं कहां, बी तक पहुंचते हैं, ए से चलते हैं और बी बिंदु तक पहुंचते हैं, जिसका दूरी है 20 किलोमीटर। फिर आगे क्या बोलता है कि उसी सड़क के अनुदेश, ये सड़क है, इसी सड़क के अनुसार बी से क्या होता है, अनुदेश मतलब उल्टा दिशा में, बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, मतलब यहाँ से उल्टा अनुदेश, इधर उधर आगे नहीं है, पीछे की ओर अनुदेश, यानी बी से चलते हैं पीछे की ओर, इसी सड़क पर आ गए कहां पर, 35 किलोमीटर की दूरी तय करके। क्वेश्चन नंबर इसमें 11 में आगे इसमें क्या करना है कि जैसे बिंदु ए से बी 35 किलोमीटर जाता है और फिर बी बिंदु से 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो ये जो ए से बी पर तक चला गया है वो धनात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जा रहा है, और जो बी से फिर पुनः उसी के अनुदेश उसी सड़क पर जब 35 किलोमीटर आता है
तो इसे ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। सवाल क्या है कि जो ये पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। यहाँ है पश्चिम, इधर है पश्चिम और यह है पूर्व, तो बी से जो पश्चिम को गया है इसे ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। आंसर क्या होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह। और यहां आगे क्या है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति मतलब ए से कहां पर आया, सी तक आया मान ले जाए, तो ए से सी की दूरी ज्ञात करेंगे कितना होगा। तो यहां बी से सी की दूरी है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, और ए से बी की दूरी है 20, तो ए से सी की दूरी ज्ञात करेंगे यानी ए सी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा कि 20 माइनस 35, 20 माइनस 35, क्योंकि यहाँ जो है 35 में माइनस माइनस का ऋणात्मक चिन्ह बताता है और ये कितना हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा -15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी पर है क्योंकि यहाँ ए से बी 20 किलोमीटर गया था और फिर बी से सी टोटल 35 किलोमीटर। तो इसमें हम ऋणात्मक ए सी को जो है ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करें यानी ए से दूरी कितना हो जाएगा -15 किलोमीटर, ये ए से, लेकिन इसको हम लोग -15 किलोमीटर बाई तरफ गया इसलिए ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं, लेकिन ये कुल मिला के दूरी 15 किलोमीटर कम आएगा और इधर 20 किलोमीटर, तो ये 15 और 20 45 किलोमीटर टोटल होगा। तो इतना ही इस वीडियो में है, फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर से हम लोग आएंगे 1.2 पूर्णांक या जो भी पाठ होगा 1.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे।